नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सूजी का ढोकला। इसे हम कुकर में बनाएंगे, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। सूजी का ढोकला बनाने के लिए हमने 1.5 कप सूजी ली है, 1 कप फेटा हुआ दही, 1 छोटा चम्मच नमक, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच चीनी, 1 छोटा चम्मच अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, 1/2 छोटा चम्मच राई, 1 छोटा चम्मच नींबू का रस, 1 इनो पाउच, 2 हरी मिर्च और 8-10 करी पत्ते, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्ती और 3 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल। सबसे पहले हम ढोकले का बैटर तैयार कर लेते हैं। रवे को एक बड़े बाउल में डाल लेंगे, दही को डाल देंगे, नमक मिला लेंगे, अदरक हरी मिर्च का पेस्ट मिला लेंगे, चीनी मिला लेंगे और हल्दी पाउडर मिला लेंगे। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस पे नींबू का रस डालेंगे, 1 चम्मच ऑयल मिलाएंगे, थोड़ी सी धनिया की पत्ती मिला देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और 1 कप पानी मिला के फेंट लेंगे। अच्छे से फेटेंगे, इसमें लम्स ना दिखाई पड़े। सूजी को हमने 2 से 3 मिनट लिए अच्छे से फेट लिया है। अब इसे हम 20 मिनट के ढक के रख देंगे, जिससे कि सूजी अच्छे से फूल जाए। बीस मिनट हो गए हैं। अब हम एक कुकर लेंगे, उसमें ये स्टैंड को लगा रखेंगे और इसमें हम 1 गिलास पानी डालकर पानी को बॉईल करेंगे। जब तक पानी बॉईल हो रहा है, तब तक हम बैटर में इनो सॉल्ट मिला देते हैं 1 पाउच। उसको 1 साइड से फोल्ड करेंगे। इसे हम 1 साइड से इसलिए फोल्ड करते हैं जिससे इसमें एयर बबल्स ना पड़ने पाए, और सबसे लास्ट में करते हैं 20 मिनट रखने के बाद। अब एक हम केक टिन लेंगे, उसको हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अब हम ढोकले के बैटर को केक टिन में डाल देंगे। इसको 2-3 बार से करके सर्व कर लेंगे। पानी बॉयल हो गया है, अब हम इसमें केक टिन को रखेंगे बहुत ही सावधानी से, क्योंकि हाथ ना जलने पाए। और ढक्कन की विसिल और गास्केट को निकाल देंगे और इसे 20 से 25 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे हम इसे पका लेंगे। पच्चीस मिनट हो गए हैं, अब इसे हम चेक कर लेते हैं। हमने एक नाइफ लिया हुआ है, इसको हम इसके अंदर डाल के देखेंगे। नाइफ बिल्कुल क्लीन है, इसके मतलब ढोकला पक गया है। अब इसे हम थोड़ी देर ठंडा होने देंगे और मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है। केक टिन ठंडा हो गया है, अब इसे हम चाकू से साइड से इस तरह से छुड़ा लेंगे। इसको हम प्लेट में पलट देंगे और हल्के हाथों से थपथपा देंगे। इसको अलग कर लेते हैं।
अब हम ढोकले के लिए तड़का तैयार कर लेते हैं। हमने गैस पे तड़का पैन रखा हुआ है, इसमें हम ऑयल डाल देंगे, ऑयल गरम होने देंगे। ऑयल गरम हो गया, इसमें डाल देंगे राई। हम डालेंगे हरी मिर्च को, हरी मिर्च को भी हाथ को बचा के डालना, क्योंकि हरी मिर्च बहुत जल्दी फूटने लगती है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसमें डाल देंगे करी पत्ता। अब हम तड़के को ढोकले पे डालेंगे। अब हम डालेंगे थोड़ी सी धनिया की पत्ती डालेंगे इसके ऊपर। अब इसे हम काट के देखते हैं। ढोकला बहुत ही स्पॉन्जी बना है। आप ढोकले को कुकर के बदले कढ़ाई या भगोने में भी बना सकते हैं। देखिए कितना स्पॉन्जी बनके ढोकला तैयार हुआ है। सूजी का ढोकला बनके तैयार हो गया है। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। इसे आप बच्चों को टिफिन में टोमेटो सॉस के साथ दे सकते हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।